बहुत अच्छी केस स्टडी पड़ी। एक बंदा था उसको कोर्ट ने सॉरी पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया, तो उसकी वाइफ ने एप्लीकेशन लगाई इसकी यहाँ तबियत खराब हो रही है, दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ ये ठीक नहीं रहेगा। वो सरकारी वकील कहता सर दिल्ली कैसे शिफ्ट कर दे, दिल्ली में तो वैसे ही लोग मर रहे हैं, बेड बेड नहीं है, पहले तो कोविड पॉजिटिव आया था फिर कोविड नेगेटिव आ गया, तो कहा नेगेटिव है कैसे शिफ्ट कर दे, यहीं पर रहने दो सर, इसी स्टेट में रहने दो, यूपी का था, नहीं रहने दो सर तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कहते सर यूपी में तो अच्छे अच्छे इलाज है, बहुत ऐसे मरीज है। कहते अगर इस बंदे को शिफ्ट कर दिया दिल्ली तो सर उसी जेल में 100 मरीज और हैं, वो 100 कैदी और हैं, वो कहेंगे हमको भी शिफ्ट करो, हमको भी शिफ्ट करो, और सर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का मनी है वो तो ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अच्छे इंतजाम है, ऐसा नहीं है, हम गारंटी लेते हैं यहाँ इंतजाम पूरे ठीक है, इसको करेंगे, तो आप बाकी लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अगर इसको शिफ्ट कर देंगे तो सब लोग कल को आ जाएंगे। तेरे को ये पूरा आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, है ना? पता है कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है बाकी लोग की ज्यादती होगी लेकिन बाकी लोग मेरे सामने तो नहीं आए ना, बाकी लोगों ने अपील तो नहीं किया ना। हमको भी पढ़ा जाता है लॉ क्लास में कि कोर्ट चल के आपकी दहलीज तक नहीं आएगा अगर आपके साथ ना इंसाफी हो रही है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो आप ये ना सोचिए हमारे पास कोर्ट आ जाएगा। तो कोर्ट ने वही कहा कि मेरे पास ये बंदा आया है तो इसके राइट प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है, जो मेरे पास नहीं आया मैं इसके राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको शिफ्ट कर दिया दिल्ली, इसको दिल्ली लेके जाओ, जैसे ठीक हो जाएगा उसको वापस ले आना, ये भी बोल दिया।